हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, देख रहे हैं रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग 800 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे, 801 से आगे बात करनी है। अगर आप लोगों ने 800 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो वो जनरल साइंस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? तो याद रखना, सुपोषण ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टकारी का प्रयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन होता है? मुक्त आयन। क्वेश्चन नंबर 4, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले वस्तु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं, अपरूप। क्वेश्चन नंबर 5, जल में क्षार मिलाने का प्रभाव है, तो आपका बी होगा, OH- आयन की सांद्रता H+ आयन से अधिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हेक्सावेलेंट क्रोमियम किसके बही स्राव में प्रबलता से मौजूद होता है? याद रखना, चरम शोधन शालाएं। क्वेश्चन नंबर 7, सुपोषण किसके अधिकम से होता है? तो याद रखना, फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 8, ताप अपघटन किसके निपटान के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? तो जोखिम अपशिष्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सेडेराइट किसका अयस्क है? तो याद रखना, आयरन का, लोहा का। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपरूप है, इसके हैं 60 कार्बन परमाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो याद रखना है, एल्यूमिनियम, ए ऑप्शन सही है इसमें। एल्यूमिनियम वह धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम सांद्रता मात्रा है? तो याद रखना, 65%। क्वेश्चन नंबर 13, जल के उपचार में ओजोनन की विक्रिया को कहते हैं, विसंक्रमण। क्वेश्चन नंबर 14, पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुपात सांद्रता है mg/L में, तो इसका होगा 0.2%। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो याद रखना, ट्राइटियम, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, फोटोग्राफिक ग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किए जाने वाला रासायनिक कौन सा है? तो याद रखना, हाइपो। क्वेश्चन नंबर 17, जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो याद रखना है, आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? तो याद रखना, कागज। क्वेश्चन नंबर 19, यदि विरंजक चूर ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खोला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? तो उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है ब्लैक फुट रोग। 21, निम्नलिखित में विषम पद चुनिए, तो विद्युत, ठीक है, विद्युत इसमें अलग है। एल्कोहोलिक किण्वन बनाया जाता है खमीर ईस्ट द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से। क्वेश्चन नंबर 24, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, याद रखना है आपको, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 25, एरोसोल का उदाहरण है, तो याद रखना, धुआं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 27, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है?
मेथेन का वायु के साथ, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल वर्षा के बनने का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंधन। क्वेश्चन नंबर 30, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोरीनन है तो याद रखना, संदूषित जल में क्लोराइड की को थोड़ी मात्रा में मिलना। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक नीलम्बन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 34, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला गिलो बोसा प्रयुक्त किया जाता है, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाइड्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोच इसे कहा जाता है। 36 का होगा ये। क्वेश्चन नंबर 37, 2006 से 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस पादप ग्रह गैसों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते को कहा जाता है, याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि जापान का एक शहर है, ठीक है, वहीं हुआ था, याद रखना। अड़तीस, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? पीतल का शील्ड, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, क्लोरो फ्लोरो कार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? होते हैं तो रेफ्रिजरेटरों में। क्वेश्चन नंबर 40, एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है? तो याद रखना हॉफमैन हॉफमान, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, इति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। क्वेश्चन नंबर 43, विकृतीकृत एल्कोहल है तो याद रखना पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, विदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषक द्वारा, ठीक, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो याद रखना सिंदरी, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसको रंगाई में स्थापत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? क्रोमियम लवण, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, अर्ध चालक पदार्थ कौन से हैं? सिलीकन तथा जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 48, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? अणु भार की, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो ये ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 50, पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो याद रखना घी। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो 52 में आपका होगा बी, मस्टर्ड गैस, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। यह एक बेसिली गैस है, बेसिली, जब एथिलीन की प्रक्रिया सल्फर मोनोक्स क्लोराइड से कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस बनती है। इसे सरसों तेल की तरह सुगंध होती है। इसकी इसकी
कारण इसका नाम गैस पड़ा। इसकी वाष्प त्वचा का फफोला पैदा करती है, त्वचा पर फफोला पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, केमिकल व्यापन्स के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो याद रखना 47%। क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, पेटोल। ठीक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं। सिलिकन कार्बाइड किंतम हीरा है, कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन, ये पीसी तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, फॉसिल ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीवोर्जा स्रोत है, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 54, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है, यह ग्लिसरॉल, डी। क्वेश्चन नंबर 58, सह संयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो याद रखना अभिक्रिया तेज है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, सही कथन का चयन कीजिए, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पीबीसी किसके बहुलक द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना विनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग पाइप बनाने में, विद्युत तार के कवर बनाने में एवं जूता के सोल बनाने में उपयोग होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, तो याद रखना लोहा क्रोमियम निकेल की, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 62, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग होता है। 63, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी का ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धि के कारण, तो याद रखना वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं होता है, तो याद रखना एल्कोहल। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, जिसे सरल मात्रक विधियों द्वारा अलग किया जाता है, बारूद हवा पेट्रोल केरोसिन नाम नमक पानी एवं पानी चीनी का घोल। क्वेश्चन नंबर 65, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है, कार्बन, सी ऑप्शन है। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 66, एटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है, कैडमियम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, एटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 67, लोहा इससे निकाला जाता है, तो याद रखना हेमेटाइट, हेमाटाइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 68, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो ताम टिन जस्ता। क्वेश्चन नंबर 70, आयोडीनी के नमक क्या है, पोटेशियम आयोडाइड साधारण नमक का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 71, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है, तो याद रखना नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनना है, क्लोरोफ्लो कार्बन, हेलांस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तीनों सही है। ठीक है, डी है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका है 74, आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार पर क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं, परमाणु क्रमांक, डी ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है 75, सोडियम बाइकार्बोनेट का विचलित नाम क्या है, तो याद रखना है बेकिंग सोडा, इसका सूत्र है NaHCO3। ठीक है, क्वेश्चन
खाने वाला सूरा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर है 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया जाता है? दामित्री मेंडली। क्वेश्चन नंबर 78, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? सीमेंट। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? तो बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 82, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना है आपको, इसका होगा सी ऑप्शन। 82 का क्या होगा? सी, ग्लिसरॉल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फियोन के, सॉरी इसमें सी नहीं, बी ऑप्शन होगा सही। क्या होगा? बी, फियोन के नाम से। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन को सीएफसी को फियोन के नाम से जाना था। क्लोरोफ्लोरो का उपयोग निषेचक के रूप में होता है। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है? तो याद रखना सोडा से। क्वेश्चन नंबर 84, अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? बीटा, सॉरी गामा बीटा अल्फा। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियों में सबसे अधिक है गामा की, सबसे कम है अल्फा की, बीटा है मीडियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो आपको बता देना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, एजी रासायनिक प्रतीक होता है? तो याद रखना चांदी का। सोने का क्या है? एयू। पारा का क्या है? एसजी। सीसा का क्या है? पीवी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? तो याद रखना प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 88, सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है सामान्य नमक के रूप में? ठीक है, NaCl। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 90, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं नाभिक ऊर्जा? सी ऑप्शन है। निम्नोक्त में से किसे पीटर पतली चादर बनाई जाती है? जस्ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92, भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक थे? डॉक्टर होमी भाभा। क्वेश्चन नंबर आपका है 93, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है? ए ऑप्शन सही है। 94, किसी एस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? भरजन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 96, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक उपसंयोजक बंध आबंध है? SO2। क्वेश्चन नंबर 97, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण है? तो याद रखना द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर, किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता है क्योंकि ठोस में अंतरा अणुक बल प्रबल होता है। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। बीच की दूरी कम होने तथा परस्पर आकर्षण बल
अधिक होने के कारण ठोसों में अणु सुव्यवस्थित व नियमित आकार में सजे रहते हैं। द्रवों में अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का भी ठोस की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 99। एसिटिक अम्ल डीकार्बोक्सीकरण पर देता है, तो याद रखना मेथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। ऑर्थर कॉन बर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था, तो एक जीन एक पॉलीपेप्टिड परिकल्पना। ठीक है, तो ये थे हमारे 900 क्वेश्चन। 901 से आगे हम बात करेंगे। ठीक है।